कैसे हैं सब। आज मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों को तिरंगा सूजी केक बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने तिरंगा चुस्की बताई थी और तिरंगा इडली बताई थी, तो आज मैं आपको कुछ मीठा सूजी का केक तिरंगा बताने वाली हूँ, ठीक है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको, एक कटोरी दही और आधी कटोरी मलाई। इसके बदले में आप घी भी ले सकते हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं घी। एक कटोरी दूध, एक कटोरी शक्कर, और इसी मेजरमेंट से मैंने दो कटोरी सूजी ली है, ठीक है। और ये हाफ टी स्पून मैंने ये मीठा सोडा लिया है, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये तिरंगा बनाएंगे इसलिए मैंने थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी ली है चेरी, ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर है, इसको लिक्विड लिया है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज चेरी, पीसी इलायची, ठीक है। ये आपको सामान बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब बनाने लगेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये लिक्विड आइटम हम ले लेंगे। तो मैंने दही डाला और ये मलाई, ये दूध और ये शक्कर, तो हम मिला लेंगे। थोड़ी सी ये शक्कर मेल्ट हो जाएगी, तब तक हमको इसको मिलाना है अच्छे से। ये शक्कर मेल्ट हो गई है हमारी, अब इसमें हम सूजी मिला लेंगे। अच्छे से पूरी तरह से इसको मिला लेना है। में ये बेकिंग पाउडर, सोडा आखिरी में डालेंगे। बेकिंग पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि सूजी है जो थोड़ी फूल जाएगी इसमें, क्योंकि सूजी ऑब्जर्व करती है। तो इसको हम थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। ये मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि हमारी सूजी फूल जाए। तो हम देखने से पहले हम ये केक का टिन तैयार कर लेते हैं ग्रीस लगा के। ये मैंने घी लगा के इसको तैयार कर लिया है और थोड़ा सा सूजी छिड़क के इसको सूखा कर लिया है। और गैस चालू करके पैन को प्री हीट कर लेते हैं। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरा केक टिन बहुत बड़ा है, कुकर में नहीं आ रहा था, तो मैं इस तरह से पैन में बनाऊँगी। और आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। एकदम स्लो रखना है इसको। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखिए ये ना गाढ़ा है ना पतला है, ठीक है। अब इसको अच्छे से हिला लेना है। अब इसके हम तीन हिस्से करेंगे, ताकि उसमें कलर बना सके। निकालने से पहले इसमें इलायची पाउडर मिला लीजिए और अच्छे से इसको फेंट लीजिए। सबसे पहले ये सोडा जो है ये डालेंगे हाफ चम्मच, ठीक है, इस तरह से। और इसको रेडी कर लेते हैं। इसी के ऊपर ये हरा रंग डालेंगे, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। ये सबसे पहले मैं ये ग्रीन वाला डाल रही हूँ। इसी के ऊपर ये हरी वाली चेरी भी डाल देंगे। इसको इस तरह से फैला लेंगे सब तरफ से, और इसी के ऊपर फिर ये चेरी डालेंगे। आप मीठा सोडा यूज नहीं करना चाहते हैं तो इनो भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने फैला दिया इसको। अब हम व्हाइट वाले को तैयार कर लेते हैं। सेम हाफ चम्मच सोडा, इसको एक्टिवेट करने के लिए हल्का सा इसके ऊपर पानी डालेंगे। इस तरह से फैला के डालना है इसके ऊपर। ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो
पूरा व्हाइट जा चुका है इसमें। अब हम इसको ऑरेंज तैयार करेंगे। ऑरेंज में सेम ये जो बचा हुआ है ये पूरा डालूंगी मैं, और इसमें ऑरेंज कलर इस तरह से एक्टिवेट करने के लिए। आप कलर के साथ में अलग अलग फ्लेवर भी ले सकते हैं, जैसे रोज़ हो गया, वैनिला एसेंस हो गया, और अपना इलायची हो गया। मैंने इसमें इलायची डाला है। आप कलर के साथ में फ्लेवर भी अलग अलग ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये हो गया ऑरेंज कलर तैयार। हमको ये सब फास्ट प्रोसीजर करना है, इसको वाइट को ढक देना है, सिर्फ वाइट नहीं दिखना चाहिए। देखिए मैंने वाइट को पूरी तरह से ढक दिया है। अब इसके ऊपर ये जो ऑरेंज वाली कतरी है इसको हम फैला देंगे। बहुत ही कलरफुल केक होने वाला है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। सूजी का है, हेल्दी है, और स्वीट अगर खाने का मन हो तो आप ये सूजी का केक घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर तैयार हो गया है। अब इसको जो प्री हीट अपना पैन है उसमें रख देते हैं, और इसको आधे घंटे के लिए हम इसको स्लोली रखेंगे, बिल्कुल फास्ट नहीं करना है। आपके कुकर में भी रख सकते हैं, डायरेक्ट सीटी और उसका जो वायर है वो निकाल के आप डायरेक्ट कुकर में भी रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर तिरंगा अपना केक सूजी का तैयार हो गया, और बहुत सुंदर शेड आया है इसमें। अभी मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए तीन लेयर आ गई हमारी, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज। इसको अब हम कटिंग करेंगे। देखिए स्पंज बहुत ही बढ़िया है, इसमें जालीदार बना है एकदम से। लंबे लंबे स्लाइस काटेंगे हम इस तरह से। ये तिरंगी सूजी केक तैयार हो गया है। ये आप घर में जरूर ट्राई करिएगा, और ये मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।